नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जो सुपर यूपी टीएटी है उसके एग्ज़ाम कुछ समय पहले ही हुई है और मैं उसके आंसर की भी डाल चुका हूं दोस्तों। संस्कृत, हिंदी, अपना मैथ्स और जीएस का भी, जीके और मैं बाल विकास दोनों के दोस्तों एक साथ ही आंसर की डालूंगा। उसके बाद विज्ञान बचेगा तो दोस्तों थोड़े बहुत समय में उसके भी हम आपको जो आंसर किए वो बता देंगे। उसमें एक दो प्रश्न दोस्तों थोड़ा सा डाउट है तो उनको क्लियर करके बताएंगे। अभी हम जीके और बाल विकास का यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, उसके आंसर की बताएंगे। पहला प्रश्न आया था भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, तो आपको सभी को पता है दोस्तों सुनील अरोड़ा भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अगला प्रश्न आया था भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो ये थे दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी, यहाँ पर दोस्तों सही विकल्प तीसरा रहेगा। अगला प्रश्न आया था साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठी चार्ज से लगी चोटों से किन नेता की मृत्यु हुई थी, तो दोस्तों ये लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न आया था लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रख सकती है, तो दोस्तों ये 14 दिनों तक रख सकती है, यहाँ पर थर्ड विकल्प रहेगा। अगला प्रश्न आया था प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है, तो ये भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, यहाँ पर थर्ड वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न आया था निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा पहला होगा अगुलहास धारा, ये अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है, यहाँ पर पहला वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न आया था नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये सिक्किम में स्थित है, यहाँ पर इसका थर्ड वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न आया था भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है, तो ये प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है। अगला प्रश्न आया था इनमें से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन, दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बता रहा है, कोई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बता रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों दूसरा विकल्प सही रहेगा क्योंकि यहाँ पर अस्थाई नहीं पूछा है, यहाँ पर डायरेक्टली पूछा गया है कि भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ पर दोस्तों अस्थाई की बात होती तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आते, तो यहाँ पर दोस्तों इसका सेकंड वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था, तो आप सभी को पता होगा ये 1935 में हुआ था, यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है भारत में अव्यवस्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये पहला विकल्प रहेगा जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न आया था निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है, दोस्तों कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है, तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प सही रहेगा, शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है। अगला प्रश्न आया था प्राथमिक विद्यालयों में डीम्ड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण है, तो ये है नामांकन संख्या बढ़ाना, ये दोस्तों आशू ठाकुर जी ने भेजा है यहाँ पेपर, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, तो यहाँ पर उनका नाम भी लिखा हुआ है, इन्होंने ही दोस्तों हमें पेपर सेंड किया था, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा थर्ड वाला आएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो आप सभी को पता दोस्तों थार्नडाइक ने किया था। अगला प्रश्न है पढ़ने और लिखने की अक्षमता है, तो दोस्तों आपने सेकंड वाला विकल्प लगाया होगा डिसलेक्सिया, पर इसका सेकंड वाला विकल्प गलत है, यहाँ पर डिस्प्रेक्सिया आएगा, इसका थर्ड वाला विकल्प सही रहेगा। मैं मानता हूँ दोस्तों जो पठन विकार है वो डिसलेक्सिया में आता है, पर जो यहाँ पर पढ़ने और लिखने की दोनों की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो थर्ड वाला विकल्प रहेगा डिस्प्रेक्सिया ये सही रहेगा, यहाँ पर जो आंसर रहेगा दोस्तों थर्ड वाला रहेगा डिस्प्रेक्सिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है किसने कहा नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है, तो दोस्तों इसका आंसर नहीं मिला है, ज़्यादातर लोग इसका पहला वाला बता रहे हैं, ज़्यादातर विद्यार्थी, तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प हम सही मानेंगे। यदि दोस्तों इसका आंसर आपको सही पता है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया, तो यहाँ पर दोस्तों इसका पहला वाला विकल्प सही रहेगा, हार्टोंग समिति। अगला प्रश्न आया था परम शून्य स्थित होती है, जो परम शून्य स्थित है वो किसमें होती है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर होगा फोर्थ वाला, अनुपातिक स्केल में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठक क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों जो मुख्य संगठक है पाठ प्रस्तावना कौशल का ये पहला वाला विकल्प रहेगा, पूर्व ज्ञान। अगला प्रश्न है NCERT द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई थी, तो ये की गई थी दोस्तों 2005 में। अगला प्रश्न है
शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। यहाँ परिभाषा दी गई थी, तो यहाँ परिभाषा S.N. मुखर्जी द्वारा दी गई थी। यहाँ पर पहला वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई है? तो यहाँ पर दोस्तों हुई थी दूरस्थ शिक्षा के लिए, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना हुई थी दूरस्थ शिक्षा के लिए। यहाँ पर पहला वाला विकल्प सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आया था, विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसके दोनों विकल्प सही रहेंगे, एक और दो दोनों। यहाँ पर थर्ड वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्तिक भिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है कौन सा है? तो दोस्तों मनोवैज्ञानिक महत्वपूर्ण कारक है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न आया था, ब्रेल लिपि के जनक थे। बहुत सरल प्रश्न पूछ लिया था दोस्तों, आपको सभी को पता होगा जो ब्रेल लिपि के जनक लुई ब्रेल है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों पावलोव ने दिया था। यहाँ पर इसका थर्ड वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न आया था, हेरिडेटरी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों ये गाल्टन द्वारा लिखी गई है, सेकंड वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथियां, पौष्टिक भोजन और रोग तथा चोट, ये तीनों ही बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर उपरोक्त सभी इसका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न आया था, गेंगले के अधिनियम सोपान का सही क्रम है। तो यहाँ पर दोस्तों जो गेंगले के अधिगम सोपान का जो सही क्रम होगा थर्ड वाला रहेगा, संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम और समस्या समाधान। अगला प्रश्न पूछा गया था, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है, अनुवादन है, प्रदीप्ति है, उद्भवन है या फिर आयोजन है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सेकंड वाला रहेगा, प्रदीप्ति। अगला प्रश्न पूछा गया था और ये लास्ट प्रश्न दोस्तों बाल विकास का, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? दोस्तों सॉरी, जीके का प्रश्न है ये, देहरादून में है, मुंबई में है, कोलकाता में है या फिर सिकंदराबाद में? तो ये कोलकाता में स्थित है। दोस्तों यहाँ पर जीके और हमारा जो सामान्य ज्ञान है और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के यहीं पर प्रश्न समाप्त होते हैं। थोड़ा सा हम जो अभी सिर्फ विज्ञान के प्रश्न रह गए हैं, तो थोड़ी सी देर में दोस्तों इसका पार्ट में हम बना के डाल देंगे। आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आज के जो मैंने जीके और बाल विकास का जो सेट डाला है दोस्तों, इसमें आपको कितने नंबर आए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। आज के लिए बस इतना ही, अगला पार्ट हम जल्द ही अपलोड करेंगे। धन्यवाद।